तो गाइस अगर आपके फोन में भी काफी सारी दिक्कत आने लगी है सिक्योरिटी अपडेट ना आने के कारण, तो उसे आप कैसे अपने आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे में ये दिक्कत है कि मेरे 4G वोल्ट नहीं आते हैं। एक सिम में एच है और दूसरी सिम में 3G है, हालांकि ये हैं दोनों 4G सिम। ऐसा जब होता है जब हमारा फोन ज्यादा ही पुराना हो जाता है तब हमारे अपडेट नहीं आते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आप अपने फोन को खुद ही अपडेट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपका जो भी डिवाइस है उसको डालने के बाद फोन अपडेट लिख देना है। मेरा डिवाइस यहाँ पे VU Y81 है, तो VU Y81 डालने के बाद मैंने फोन अपडेट लिख दिया है। और यहाँ पे आप पहले नंबर पे देख सकते हो वीवो ग्लोबल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसा ही यहाँ पे आप देख सकते हो 2969 MB का है ये अपडेट, और फन टच OS है, और रिलीज डेट है 2022 10वां महीना 14 तारीख। तो यहाँ पे आपको आने के बाद डाउनलोड कर लेना है। मैं फिलहाल इसे डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे में इतना डाटा नहीं है। और ये करने के बाद में आपके फोन में जो भी कोई परेशानी है पुरानी वो शायद ठीक हो सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।